ओम साईं राम। मैं पंडित पुष्पेंद्र गोस्वामी आप लोग को आज के राशिफल के बारे में बताने जा रहा हूँ। मुंबई समय न्यूज के माध्यम से दिनांक 22 दिन गुरुवार 2019 राशि मेष। आज का दिन अच्छे परिणाम देगा। कुछ मामूली झंझटों के बाद आप अच्छी प्रगति करेंगे। आपको व्यवसाय में उत्कृष्ट परिणाम मिलेंगे। नौकरी की तलाश में हैं तो आपको सफलता मिलेगी। यदि एक बदलाव की तलाश है तो आपको थोड़े और प्रयास ज़्यादा आपको करना पड़ेगा, उससे आपको बेहतर और अच्छा परिणाम मिलेगा। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और रिश्तेदारों से मेल मिलाप संभव है। दोस्तों के साथ किसी तीर्थ स्थल पर जाने की योजना बना रहे हैं। ओम साईं राम। राशि वृष। छात्रों के लिए यह दिन शुभ है। छात्र प्रतियोगिता में अच्छा करेंगे और अपने इच्छित संस्थान में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन सुचारू रहेगा। कमीशन वाहनों से संबंधित व्यवसाय और कृषि से अतिरिक्त आय और प्राप्त कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को कार्यस्थल पर बहुत अधिक तनाव और दबाव कुछ बेचैन कर सकता है। सहयोगियों के विश्वास प्राप्त कर आप आने वाले दिनों में शुभ प्रगति कर पाएंगे। मानसिक तनाव के कारण स्वास्थ्य स्थिर रह सकता है। आराम करने के लिए पर्याप्त समय लें। ओम साईं राम। राशि मिथुन। किसी करीबी सहयोगी से समस्या हो सकती है। कार्य से संबंधित यात्राएं वांछित परिणाम नहीं दे पाएंगे। नए कार्यस्थल पर जुड़ने या नई परियोजनाओं और उपक्रमों को शुरू करने के लिए दिन ज़्यादा अनुकूल नहीं है। कार्यस्थल पर झगड़े और टकराव से बचने की कोशिश करनी चाहिए। प्रेम युक्त संपर्क यदि कोई हो तो यह एक बुरा मोड़ ले सकता है और आप में से कुछ लोग बदनामी और अपमान का शिकार हो सकते हैं। पारिवारिक संदर्भ में भावनात्मक रूप से आप कुछ लोग परेशान कर सकते हैं। आपको जीवन साथी या संतान के अस्वस्थ होने के कारण कुछ चिंता हो सकती है। ओम साईं राम। राशि कर्क। विदेशी व्यापार संबंधित सौदों के अंतिम रूप देने के लिए यात्रा की योजना फिर से शुरू होगी। आपको अपने विदेशी संपर्कों से लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना है, किंतु अचानक वित्तीय संकट सतह पर आ सकता है। आपका भागीदार आपकी अशांति का स्रोत होगा और अपने मिजाज और संयम पर नियंत्रण रखें। अपनी नियमित दिनचर्या का पालन करें। हालांकि पारिवारिक सदस्यों की गंभीर टिप्पणियां स्वाभाविक रूप से आपको परेशान कर सकती हैं। ओम साईं राम। राशि सिंह। आज आपको अपने शब्दों के चयन के प्रति अति सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इससे रिश्ते खराब हो सकते हैं। पारिवारिक एवं व्यावसायिक संदर्भ में मनमुटाव हो सकता है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य गंभीरता का और चिंता का कारण बन सकता है। वित्तीय मामलों में आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप करीबी रिश्तेदारों के साथ विवादों में भाग सकते हैं और आपके दुश्मन भी आपको कुछ परेशानियां दे सकते हैं। नया उद्यम शुरू करने का या अटकलों के लिए समय अच्छा नहीं है। नुकसान होने की संभावना है। ओम साईं राम। राशि कन्या। आप कुछ चुनौतियों का सामना करेंगे, लेकिन अंततः चीज़ें आपके पक्ष में ही होंगी। दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं। निवेश करने के लिए आवेगी निर्णय ना लें। तत्काल कोई भी निर्णय ना लें। यदि पैतृक संपत्ति के संभव जो संबंध हैं, संपत्ति के कोई भी लंबित मामला है, तो उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें।
यह आपकी संतुष्टि के लिए होगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें और उत्तरार्ध में कार्य से संबंधित यात्राएं नए अवसरों को खोलेंगी। दोस्त और परिवार आसपास रैली करेंगे और आपको पूरा सहयोग देंगे। ओम साईराम। राशि तुला, आज का दिन आपको चौतरफा खुशी देने वाला है। व्यावसायिक रूप से आप सक्रिय और सतर्क रहेंगे। ज्ञान और ज्ञानकारी इकट्ठा करने के संदर्भ में अच्छी प्रगति करेंगे। विदेशों संपर्कों से आर्थिक लाभ संभव है और आपको लाभ मिलेगा ही। पारिवारिक सदस्यों से आप व्यवहार करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है चाहिए कि आप उन्हें भ्रमित, अन्यथा आपको इसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। ओम साईराम। राशि वृश्चिक, व्यवसायिक लोगों के लिए आकस्मिक लाभ का प्रवाह हो सकता है। इसके परिणामवश आप अपने व्यवसाय संबंधी समस्याओं को हल करने में पहल और अधिक रुचि ले सकते हैं। साझेदारी से आपके लिए कुछ बेहतरीन प्रोत्साहन मिल सकते हैं जो आपकी वित्तीय स्थिति को काफ़ी मजबूत कर सकता है। बच्चे जो भी कार्य करेंगे, चाहे पढ़ाई हो अथवा कोई भी अतिरिक्त गतिविधि, वे हर जगह प्रशंसा अर्जित कर पाएंगे। किसी बुजुर्ग पारिवारिक सदस्य का गिरता स्वास्थ्य आपकी चिंता का विषय हो सकता है। ओम साईराम। राशि धनु, आर्थिक परिवेश में आज कुछ के लिए विस्तार और लाभ के मार्ग प्रशस्त रहेंगे। विदेशी कनेक्शन स्थापित करने से इच्छुक लोगों को सफलता के लिए अथक प्रयास करना पड़ सकता है। छात्रों को आपको अपने शैक्षिक और व्यवसायिक कौशल को बढ़ाने के अवसर मिलेंगे। वित्तीय मामलों के लिए कुछ दिन अच्छे हैं और निवेश और बचत की योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। जीवन साथी के साथ आप कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। संतान प्राप्ति एवं संतान का विवाह संबंध पक्का होने से परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। ओम साईराम। राशि मकर, कार्य सुगमता से आगे बढ़ेंगे और स्थितियां आपके पक्ष में होंगी। लेखन, साहित्य, कला, संगीत और सिनेमा, टीवी आदि से जुड़े लोग अपनी प्रतिभा से पहचान बना पाएंगे। वित्तीय मामले बिना किसी बाधा के आसानी से आगे बढ़ेंगे। पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा और उत्सव हो सकता है। रिश्तेदारों से एक बड़ा उपहार प्राप्त कर सकते हैं। यात्राएं लाभ रहेंगी किंतु थकावट के कारण स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ओम साईराम। राशि कुंभ, आप धार्मिक विचारों वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म करेंगे जिसके लिए आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। आपका पारिवारिक जीवन आनंदित रहेगा और आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे। आप दूसरों के लिए मददगार होंगे और इसके लिए आपका बहुत सम्मान करेंगे लोग। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सहकर्मियों से पूर्ण सहयोग और समर्थन प्राप्त होगा। आप नया उद्यम शुरू करने में भी सफल हो सकते हैं, लेकिन आप आर्थिक स्थिति में तेजी से वृद्धि संभव है और आपकी कुछ पोषित जो इच्छाएं होती हैं वो पूरी होने की संभावना है। ओम साईराम। राशि मीन, यदि आप सहयोग लेने के इच्छुक हैं तो आपके वरिष्ठ आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे और संभव सहायता भी करेंगे। साझेदार आपका भरपूर समर्थन करेंगे और आप आर्थिक लाभ के अवसर पर प्राप्त कर पाएंगे। कुछ नए परिचितों द्वारा धोखा खाने से बचने के लिए अपने विकल्पों को समझदारी से चुनें। पारिवारिक जीवन तनाव से भरा हो सकता है, लेकिन आपकी स्थिति की चतुराई से निपटना आपको होगा। स्थिति अपने नियंत्रण में करनी होगी और मन की शांति प्राप्त करनी होगी। कुल मिलाकर आज आपको व्यक्तिगत
और मौद्रिक मामलों में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। ओम साई राम। कृपया आप सभी लोग राशियों को पूरा देखें और देखने के बाद मुंबई समय न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन बटन दबाना ना भूलें। ओम साई राम।